सरकार इस फैसले को लागू करने से हिचक रही है। विधायकों और मंत्रियों का जो दबाव है, वहीं जल्द ही कैबिनेट में भी यह मामला रखा जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी, क्या हाईकोर्ट का यह फैसला प्रदेश में लागू हो पाता है या नहीं। सरोवर नगरी में हुई तेज बारिश, दोपहर 3 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन खासी दिक्कतें भी हुई। बारिश से शहरवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मॉल रोड, तल्लीताल डाट, मल्लीताल मस्जिद रोड, होटिया बाजार समेत मल्लीताल बड़ा बाजार में तेज बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात में भी दिक्कतें आईं। वहीं बड़ा बाजार में पानी के तेज बहाव से नालियों से उफान मारता हुआ पानी कई दुकानों में घुस गया। इस बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में पिछले काफी वक्त से सूखे के हालात बने हुए थे। कन्नौज में प्यार में नाकाम एक युवक ने मौत को गले लगा लिया। उसने पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। मृतक युवक कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। वो कल अपने रिश्तेदारी में कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के सतबरिया गांव में आया था। बताया जा रहा है कि मृतक सरबन अपनी ही रिश्तेदारी में सपना नाम की लड़की से प्यार करता था। कल जब उसने प्रेमिका से मिलना चाहा तो लड़की ने मिलने से मना कर दिया, जिससे निराश होकर सरबन ने गाँव के पास एक पेड़ में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। नाकाम मोहब्बत में आशिक के इस कदम से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर की शान कैप्टन लक्ष्मी सहगल को आज अंतिम विदाई दी गई। कल कैप्टन सहगल का देहांत हो गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने साल 2010 में अपने शरीर को दान कर दिया था, जिसके चलते आज उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास से कानपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में उनके शरीर को सौंप दिया गया। इस देहदान महायात्रा के दौरान डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। लक्ष्मी सहगल की अंतिम यात्रा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी और वृंदा करात भी मौजूद रहे। सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कैप्टन सहगल की अंतिम यात्रा में पूरा कानपुर एक साथ दिखा। खास तौर से स्कूली बच्चों ने उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत माना। गुवाहाटी के नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मुख्य आरोपी अमरज्योति कालिता के वाराणसी पुलिस के सामने सरेंडर के बाद उसे सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। गुवाहाटी के दरिंदे अमरज्योति की पेशी के दौरान असम पुलिस कोर्ट में मौजूद थी। असम के कामरूप की सीजीएम अदालत की ओर से जारी प्रोटेक्शन वारंट पेश करते हुए असम पुलिस ने 5 दिन के ट्रांजिट डिमांड की मांग की। वाराणसी कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए आरोपी को संबंधित कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी के बाद अमरज्योति कालिता को असम पुलिस को सौंप दिया गया। असम पुलिस उसे लेकर रवाना हो चुकी है। देश विदेश के टूरिस्टों को अब खुले में घूमते बाघ शायद ही देखने को मिले, क्योंकि पूरे देश के टाइगर रिजर्व में टूरिस्ट गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले के बाद ये साफ कर दिया है कि बाघों की सुरक्षा के मद्देनजर टाइगर रिजर्व के कोर इलाकों में पर्यटकों की गतिविधियाँ बंद कर दी जाए। इस फैसले के बाद देश भर के 30 टाइगर रिजर्व में घूमने आने वाले पर्यटकों को मायूस होना पड़ेगा। इससे यूपी उत्तराखंड के पर्यटन पर भी काफी असर पड़ेगा। उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क और यूपी के ददुआ पार्क में सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। हालांकि अब इस संख्या पर काफी असर पड़ने की आशंका है। एक अनुमान के मुताबिक इस फैसले से सिर्फ उत्तराखंड सरकार को 500 करोड़ के नुकसान की आशंका है। हालांकि इस फैसले से रोजगार पर भी काफी असर पड़ने की आशंका है। अन्ना और उनकी टीम के सदस्यों ने एक बार फिर जन लोकपाल बिल को लेकर मुहिम छेड़ दी है। अन्ना और उनकी टीम बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेगी। अनिश्चितकालीन अनशन में शामिल होने के लिए अन्ना हजारे दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले अन्ना ने गाजियाबाद में सभा की और साफ कर दिया है कि इस बार की लड़ाई आर पार की होगी। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्ना ने कहा कि अपना रुख साफ करने के लिए सरकार के पास 4 दिन है। 29 जुलाई से वो भी टीम के साथ अनशन में शामिल होंगे। उन्होंने सरकार पर बार बार धोखा देने का आरोप भी लगाया। काले धन के खिलाफ मुहिम चला रहे बाबा रामदेव को भी संचलन में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। आंदोलन से पहले अन्ना ने गाजियाबाद में हुई प्रेस वार्ता में लोगों से ये अपील की वो आंदोलन में शामिल हों और उसे सफल बनाएं।
मॉम आज खाने में क्या है? लौकी। और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है, आज लौकी का कोफ्ता बनाया। और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेले की करेला स्पेशल बना, ये खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी, पाई ए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझो, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझो, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की, आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम, एट क्वांटम, एट क्वांटम, क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। सर आइए सर। ए चल चल। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, पांव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. Market pe chauke pe market pe chauka. Market pe chauke pe market pe chauka. Hey, it's a new one. निशाना तू लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौके पे मौके पे चौका, लड़ेगा हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौके पे मौके पे चौका, अरे मौके पे नो बॉल। व्हाट इज अ नो बॉल? नो बॉल मींस नो पेप्सी। मौके पे चौके पे मौके पे चौका। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौला, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। केवल मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, ये है लोकतंत्र के पहरेदार। इनका अनुभव देता है
इनके सवालों को था। झूठ से है इनकी दुश्मनी और सच से है इन्हें प्यार। अब इनके साथ रहिए बाखबर और होशियार। देखिए समाचार का खबर वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हंसी के ऐसे डोज जिन्हें देखकर आप रोक नहीं पाएंगे अपनी हंसी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये कॉमेडी शो, देखते रहो हंसते रहो। दोस्तों, मीका के शो में पहुंच गई है एक ऑफिसर की बीवी और उनके साथ आए हैं उनके चेले भी। तो चलिए देखते हैं क्या तमाशा करते हैं ये सभी मिलकर। में आके बैठ गई, वहां मीका गा रहे थे। जानती कौन है मीका है? जानबूझ के कहेंगी कौन ही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है। कौन ही? कुछ चमचा बोला, पता है अगर मैडम आप गाना गा दे तो मीका की छुट्टी हो जाए। यादव जी, मैडम गाई थी पिछली पोस्टिंग बुलंदशहर में। अरे छा गई थी मैडम, ये तो बड़प्पन है गा नहीं रहे हो। जानती भाई, किसी का काम है इसी को गाने दो। मैडम अगर गा दे तो समझ लो कि बस। चलिए ठीक है, गा देती हूँ, चलिए। ए मैडम आ रही, मैडम उसे पीछे घूमा तो मैडम है ही नहीं। कहाँ है? किस बाथरूम गई, बाथरूम गई। उधर मैडम बाथरूम में गई तो बाहर सारे सिक्योरिटी वाले, उनको लगा टाइम लगेगा तो सब ऐसे बैठ गए। फिर एकदम बाथरूम से आवाज आई नल की, सारे लोग आ रही मैडम, आ रही मैडम, आ रही। फिर निकली, फिर बड़े आश्चर्य से आई। अब देखिए गाना वाना पहले हम गाया करते थे, कहाँ गाना वाना, आप लोग कह रहे थे ठीक है। मेरी महबूब शायद आज कुछ चमचा। अरे मैडम ऐसा गाती मिक्का शर्मा गए। जो मैडम होती हैं, साहब की नीली बत्ती गाड़ी यही लेके घूमती रहते हैं, भाई को लेके आगे गनर बैठा रहता है। अब गाड़ी लेके निकलेंगे नीली बत्ती की गाड़ी, सब लोग नीली बत्ती और हूटर उसका हॉर्न सुन सुन के साइड दे देते हैं। फिर उतरेंगी, बहुत हल्के से उतरती हैं, दरवाजा खोल के हल्के हल्के पैर एक बाहर लाएंगे। हल्के से शॉल भी, बहुत हल्के हल्के चलेंगे, ऐसा लगता है लड़की जयमाल के लिए आ रही है। पूरी मार्केट में हड़कम मच जाता है। गरीब वहां खड़ा है, ये यहीं से बोलेंगी एक्सक्यूज मी, साइड दीजिए। गरीब उनको जानता नहीं। निकल जाओ, इतने में तो ठेला निकल जाए। चलिए अब मिलते हैं चंद्र प्रभाकर से, जो बता रहे हैं छोटे और बड़े कल्चर में डिफरेंस। चलिए हम भी देखते हैं कैसे डिफरेंस होता है। 8-10 लड़के ना एक फ्लैट में इंग्लिश पिक्चर देख रहे हो, बाद में डिस्कशन कैसे करते हैं, वाओ यार व्हाट अ गाड़ी, अरे बाबा गाड़ी कैसे यूज की। ऐसे छोटे शहर में 8-10 लड़के एक कमरे में VCR में इंग्लिश पिक्चर देख रहे हो, डिस्कशन कैसी होती है, अंग्रेज अंग्रेजी होते हैं भाई। कुछ भी करते हैं, और सही बात है, अंग्रेज अंग्रेजी होते हैं, कुछ भी करते हैं। मैंने आजकल मैं न्यूज सुन रहा हूँ, गॉड पार्टिकल की खोज हो रही है, कौन कर रहे हैं, अंग्रेज लोग। ब्रह्मांड की खोज हो रही है, कौन कर रहे हैं, अंग्रेज लोग। हम खोजें कर ही नहीं रहे, हम कहाँ से खोजें करेंगे, हम तो यही खोजते रहते हैं सस्ती कैपरी कहाँ से मिलेगी, सस्ता चश्मा कहाँ से मिलेगा। हम खोजें शेखर जी कर ही नहीं सकते, हमारा सुबह सुबह खुद का कच्चा कमवा रहा था, मेरा कच्चा कहाँ है, मेरी बनैन कहाँ है। अंग्रेज लोग खोजें करते ना, इसके पीछे की लॉजिक है शेखर जी, अंग्रेज लोगों की बीवियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। अच्छा देखो कितनी बड़ी बात है, अपनी बीवी के साथ खुद इंग्लिश बोल रहे हैं, माइंड फ्रेश रहता है, ध्यान खोज की तरफ जाता है। हम लोगों ने कहां से खोजें करनी है, हम तो बीवी भी ढंग की नहीं खोज पाते। हमें तो बीवी भी वो मिलती जिसके मुंह पर मूछें निकली होती हैं। सही बात है, 10 मिनट बीवी का मुंह देखी जो बड़े भाई जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। आदमी सारी जिंदगी इसी टेंशन में निकाल देता है, ओए 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 इसको क्या बोलकर इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं। फिर वो हार कर यही बोलता है ये हमारे भैया भाभी हैं।
हम लोग जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सिस्टम की वजह से बड़े परेशान होते हैं. कभी दाल महंगी होगी, कभी चीनी महंगी, कभी आटा महंगा हो गया, कभी पेट्रोल महंगा हो गया, कभी बत्ती आ नहीं.